गाइस, आज हम देखेंगे लेटर राइटिंग। सो जो हमारा राइटिंग पोर्शन होता है, जिसके अंदर हमारा एक फॉर्मल आता है और एक इनफॉर्मल आता है। अब जो फॉर्मल लेटर होता है, इसको हम कहाँ पर देते हैं? जैसे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्कूल में अगर हमें एप्लीकेशन लिखना होता है तो भी हम फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पर हमें रिलेटिव्स को देना हो या किसी फ्रेंड को लिखना हो, तो वहां पर हम इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आज हमें देखना है सबसे पहले फॉर्मेट क्या होते हैं, देन मैं बताऊंगी आपको एक एप्लीकेशन भी एंड एक लेटर भी। सो सबसे पहले यहाँ पर है सेंडर एड्रेस। सो आप ये लेटर कहाँ पर भेज रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है सबसे पहले एड्रेस। और इस एरो, ये जो मैंने एरो बनाया है, इस एरो का मतलब होता है लाइन को आपको स्किप करनी है। स्किप लाइन मतलब आपको वो लाइन छोड़ करके उसके नीचे वाली लाइन में डेट लिखना है। और डेट लिखने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे आज अगर 23 है तो आपको 23 फरवरी लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक कॉमा पुट करना है, देन 2023 डालना है। So, इसके बाद में यहाँ पर दोबारा एरो है, विच इज इंडिकेटेड टू स्किप लाइन। ये आपको लाइन छोड़नी है। एंड देन रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर किसी को भी लिख रहे हो, जैसे कोई पोजीशन में होता है, अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो, जैसे हमने डेजिग्नेशन में लिख दिया दी प्रिंसिपल, तो ये क्या हो गया, उनका डेजिग्नेशन हो गया कि दी प्रिंसिपल। बट उसके नीचे जो हम लिखते हैं एड्रेस, कि वो जो स्कूल का नाम लिख देते हैं, या फिर अगर मैं किसी ऑफिशियल पर्पज पे लिख रही हूँ या एमसीडी को लिख रही हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया सबसे पहले डेजिग्नेशन में कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। लेकिन इसके नीचे वो है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है या सदर बाजार में है, तो उसके बाद में आपको उसका एड्रेस भी मेंशन करना होता है। नेक्स्ट, उसके बाद में दोबारा एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है कि आप किस पर्पस पे ये लेटर लिख रहे हो। पर्पस के बाद में आपको फिर एक लाइन छोड़ करके लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जो हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड मैम एंड सर, राइट। तो यहाँ पर हम सैल्यूटेशन में लिखते हैं। और उसके बाद में फिर आपका ये बॉडी शुरू हो जाता है कि आप किस पर्पस पे लिख रहे हो लेटर, एंड क्या लिख रहे हो, उसमें क्या डालना है आपको। ये सारी आपके दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ में होता है हार्डली। नेक्स्ट, क्लोजिंग एंड नेम का मतलब हो जाता है कि क्लोजिंग में आप या योर फेथफुली या ऑबिडिएंटली जो आप वर्ड लिखते हो एट दी एंड, थैंकिंग यू के बाद में, वो हमारा क्लोजिंग हो जाता है, नीचे नेम आ जाता है। सो अब हम देखेंगे कि हमारा एक लीव एप्लीकेशन कैसा होता है, सिक लीव, और दूसरा हमें करना है एक एमसीडी पे या एक फॉर्मल लेटर अभी हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जो फॉर्मल लेटर का जो हमारा फॉर्मेट होता है, उसको हमें कैसे लिखना है। अब क्लास 6 के बच्चे हैं या क्लास 7 के बच्चे हैं, उनके फाइनल टर्म में आने वाले एग्जाम में सिक लीव आने वाली है। सो उसके लिए आज मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, एक एप्लीकेशन बच्चों के लिए लिखा है। सो यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस है, एंड देन उसके बाद में फिर हमारा डेजिग्नेशन लिखते हैं। अब डेजिग्नेशन में भी क्या है कि हम पहले ना टू द प्रिंसिपल लिखते थे, अब उस टू द प्रिंसिपल को हटा करके सीधा हम लिखते हैं द प्रिंसिपल लिखते हैं। एंड एड्रेस तो है दो, द प्रिंसिपल अपना स्कूल का नाम आ गया, एंड देन कौन सी प्लेस की प्लेस आ गई। फिर ये जो एरोज बने हैं, एरोज का मतलब ये होता है कि वो लाइन हमें छोड़नी है, उस लाइन को स्किप करके हमें आगे नेक्स्ट वाली लाइन में कंटिन्यू करना है। फिर डेट आ गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है, अगर सिक लीव है तो उसमें आपको लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, या एन एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव या 3 डेज लीव आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन आपको पता है कि हम रिस्पेक्टेड लिखते हैं, बिकॉज ये फॉर्मल है। अगर ये इनफॉर्मल होता तो उसमें हम लिखते डियर डालते, राइट। अब यहाँ पर स्टार्ट हमें पहले, अगर आप ध्यान से देखो तो जो सैल्यूटेशन के बाद में हम सैल्यूटेशन के इस वाले नेक्स्ट लाइन के बीच के पोर्शन में स्टार्ट करते थे, अब क्या करते हैं, हम सैल्यूटेशन के जस्ट नीचे वाली लाइन में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। जो आजकल फॉर्मेट काफी चेंज हो चुका है, उस चीज का ध्यान रखना है। एंड विद योर रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब क्लास आपको यहाँ पर खुद लिखना है कि कौन सी क्लास में आप हो, 8th में हो, 7th में हो, 9th में हो, एंड इन योर स्कूल, कि आप स्टूडेंट हो उनके स्कूल के। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से जूझ रहा हूँ या सफर कर रहा हूँ, एंड डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज। अब डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है कि आपको रेस्ट करना है फॉर 3 डेज के लिए। देन एट द एंड जो हमारा अब क्लोज करने का आया है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख दोगे, या फिर आप इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल सकते हो, दो पैराग्राफ भी आप इसमें लिख सकते हो। जैसी आपकी कोई डिसीज है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में आप इसमें लिख सकते हो। एंड काइंडली ग्रांट मी 3 डेज लीव फ्रॉम, अब यहाँ पर अगर आप एंड कर रहे हो, अगर आप लीव या एप्लीकेशन लिखने के बाद में एंड कर रहे हो, तो उसमें आपको यहाँ पर लिखना है काइंडली ग्रांट मी 3 डेज लीव फ्रॉम कब से कब तक। सो यहाँ पर मैंने 3 डेज लिखी है, तो यहाँ पर 23rd to 25 कर दिया, ठीक है, 23, 24 एंड 25 वी हैव 3 डेज, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पर जब आप क्लोजिंग करते हो तो योर्स ऑबिडियंटली भी लिखते हैं, फेथफुली भी लिखते हैं, सिंसियरली भी लिखते हैं, ठीक है। एंड नेम आ गया, क्लास आ गया और रोल नंबर आ गया। इस फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सिक लीव होती है एप्लीकेशन के ऊपर वो हमने देख लिया, और इस पेज में हमें देखना है कि अगर हमें एमसीडी को लिखना हो या कोई भी स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसके लिए लिखना हो, या वाटर पाइपलाइन अगर लीक हो रहा है तो उससे रिलेटेड अगर हमें फॉर्मल लेटर लिखना है तो हमें किस फॉर्मेट में और क्या लिखना है। सो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा हुआ है सेंडर एड्रेस, और उसके बाद में दे रखा है डेट, और उसके बाद में यहाँ पर पोजीशन, पोजीशन कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। जैसे मैनेजर है तो मैनेजर का नाम लिख दो आप, डिविजनल मैनेजर। अगर यहीं पर हम एडिटर लिखते हैं तो द एडिटर करके हम कोई भी न्यूज पेपर का नाम लिखते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम या टाइम ऑफ या टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले रेसिपिएंट्स की एड्रेस लिख दिया और पोजीशन लिख दिया। इसके बाद में प्लेस की वो प्लेस कहाँ की है, न्यू दिल्ली। देन सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में क्या है कि रिक्वेस्ट करना है कि वाटर जो पाइपलाइन है, जो मेरा प्रोग्रेस कॉलोनी है उसके साइड से कोई पाइपलाइन जा रही है वाटर की और वो लीक हो रहा है, जिसके प्रॉब्लम जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए है। एंड देन यहाँ पर सैल्यूटेशन, आप सबको पता है कि सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड मैम एंड सर, बिकॉज ये फॉर्मल लेटर है। अगर ये इनफॉर्मल होता तो हम वहां पर डियर लिख सकते थे, ठीक है। तो डियर आपको इस लेटर में मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बॉडी पे, बॉडी पे लिखा है कि आई एम राइटिंग टू दिस bring to your attention the major leak in the water pipeline that passes through progress colony, कि वहां पर जो हमारी कॉलोनी है उसके बगल में एक वाटर पाइपलाइन जा रही है और वो थोड़ी सी लीक हो रही है, जिसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहां पर उसके आजू बाजू जो प्ले ग्राउंड था मेरा, उस प्ले ग्राउंड के अंदर एक पार्क था, अब उस पार्क में पूरा भर गया है और पूरा फ्लड हो चुका है, तो कई सारे वहां पर जो बच्चे खेल रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ओल्ड एज के हो रहे हैं वो ग्राउंड मार रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर लिखा है पासिंग थ्रू द पार्क हैज डेवलप्ड अ क्रैक एंड सो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अर्जेंटली दैट पाइपलाइन रिपेयर्ड सो दैट फर्दर अनकन्वीनियंसेस टू पीपल ऑफ दिस एरिया कुड बी अवॉइडेड। और काफी सारी चीजों में क्या होता है कि अगर आप वहां पर पार्क में आजू बाजू से कोई लाइन जा रही है और वो टूट गई तो कई सारे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इट विल हैपन, राइट। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर लिख रहे हो तो ये जो कंटेंट होता है, ये जो बॉडी होता है, यहाँ पर तो मैंने लिखा है बहुत बड़ा बोर्ड है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन आपको कम से कम इसमें दो पैराग्राफ एटलीस्ट करना है। और उसके बाद में फिर आता है हमारा क्लोजिंग में, योर फेथफुली एंड या ऑबिडेंटली भी लिख सकते हो आप, और एट द एंड आप नेम लिख देना, दैट्स इट।